नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की एक और नई सेल के बारे में जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डे। इलेक्ट्रॉनिक सेल के नाम से इसका दोस्तों ये नाम है, बट दोस्तों इस सेल में जो हमें ऑफर मिल रहा है वो कुछ अलग तरीके से मिल रहा है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि हर सेल में हमें जो ऑफर मिलते हैं वो हमें डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम उससे परचेस करते हैं फ़ोन को, तो हमें मिल जाते हैं। बट दोस्तों इसमें जो ऑफर मिल रहा है वो कुछ अलग तरीके से मिल रहा है। इसमें आपको ऑफर तभी मिलेगा जब आप किसी फ़ोन को EMI पे परचेस करते हो, तो तभी आपको डेबिट कार्ड से ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों जो इसलिए किया गया है क्योंकि लॉकडाउन इंडिया में चल रहा है जगह जगह पर, तो लोगों के पास पेमेंट कैश में नहीं है। तो आप अगर कोई भी फ़ोन डेबिट कार्ड से EMI पे परचेस करते हो तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको आज इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको इस डील में कौन से स्मार्टफोन के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, और कैसे आप अपने डेबिट कार्ड से किसी भी फ़ोन को EMI पे अच्छी कीमत में ले सकते हो। मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, जिससे आप अगर कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप आसानी से खरीद सको। क्योंकि दोस्तों ये जो सेल है ये 17 तारीख को स्टार्ट हुई थी और ये 21 तारीख तक चलने वाली है। बट दोस्तों क्या होता है कि जो बढ़िया बढ़िया फ़ोन होते हैं वो इस सेल से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा देरी करते हैं। तो दोस्तों अभी आज 18 तारीख हुई है, अगर आप कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कौन से फ़ोन की तरफ आपको देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू। दोस्तों सबसे पहले फोन की डील की बात करें तो वो आ रही है दोस्तों पोको के X3 Pro के ऊपर। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में 16,790 रुपये का मिल जाएगा अगर आप इसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 16,790 या 16,800 रुपये समथिंग का पड़ जाएगा। और वहीं दोस्तों इस फ़ोन को आप HDFC बैंक डेबिट कार्ड से खरीदते हो EMI के ऊपर, तो ये फ़ोन आपको और भी कम कीमत का पड़ सकता है। दोस्तों इस स्पेसिफिकेशन में इस डील में इस वीडियो में मैं किसी फ़ोन को नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको रेट बताऊंगा कौन सा फ़ोन कितने का मिल रहा है और कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। दोस्तों इस फोन तरफ आप जा सकते हो पोको X3 Pro के ऊपर। बट दोस्तों आपको याद रखना है कि ये 5G फ़ोन नहीं है, सिर्फ 4G फ़ोन है। दोस्तों नेक्स्ट जो डील है वो है सैमसंग के F62 के ऊपर। दोस्तों वैसे तो इस फ़ोन की प्राइस 22,500 रुपये समथिंग होती है, बट अभी ये फ़ोन आपको 16,800 रुपये का मिल जाएगा अगर आप इस फ़ोन को EMI पर खरीदते हो। तो HDFC बैंक डेबिट कार्ड से इसे खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 16,800 रुपये का मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है 22,000 रुपये, बट अभी ये आपको 16,800 मिल रहा है प्लस EMI पर। आपको कैश भी नहीं देना है, सिर्फ EMI में आपको पेमेंट करना है। आप सैमसंग का फ़ोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इस फ़ोन तरफ जा सकते हो, ये काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। दोस्तों वैसे फ़ोन जो काफ़ी अच्छा है इस रेट के हिसाब से, अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है Realme का X7। दोस्तों इस फ़ोन की कीमत इसमें 18,000 रुपये है। वैसे तो दोस्तों इसकी फ़ोन की कीमत 20,000 रुपये होती है, 19,000-20,000 के समथिंग, बट अभी ये आपको इस सेल में मिल रहा है 18,000 रुपये का। और वहीं दोस्तों अगर आप इसे खरीदते हो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से तो जी और भी कम का मिल जाएगा प्लस दोस्तों EMI पर। नेक्स्ट डील की बात करें दोस्तों तो वो है पोको के X3 के ऊपर। इससे पहले पोको X3 Pro बताया था, बट ये है पोको X3। दोस्तों इसकी जो कीमत है वो है 14,500 रुपये इस सेल के अंदर अगर आप इसे HDFC बैंक के कार्ड से परचेस करते हो। तो दोस्तों अगली डील है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो आप ले सकते हो, क्योंकि वैसे तो इस डील में काफ़ी स्मार्टफोन है उन पर हमें ऑफर मिल रहे हैं, बट वो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड फ़ोन के ऊपर बता रहा हूँ। दोस्तों अगली डील आ रही है Realme के X7 Pro के ऊपर। जी हाँ दोस्तों X7 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ था 5G फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस वैसे 29,000-30,000 रुपये, बट ये मिल रहा है आपको 27,000-28,000 रुपये का इस सेल के अंदर। तो दोस्तों आपको इस फ़ोन को स्किप कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों भले ही ये 5G फ़ोन है, इंडिया का नया फ़ोन है, Dimensity 1000 के साथ आता है, बट इससे बेटर ऑफर है एक और जो कि दोस्तों इस सेल में हमें मिल रहा है, वो है दोस्तों Realme का X50 Pro। जी हाँ दोस्तों ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, बट दोस्तों सेल के अंदर ये काफ़ी कम कीमत में मिल रहा है। ये मिल रहा है आपको 25,000-25,500 रुपये का। और वहीं इसे आप खरीदते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये आपको 23,000 रुपये तक का ही मिल सकता है। दोस्तों Realme X7 Pro से काफ़ी ज़्यादा बेटर X50 Pro है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। हर मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर इसका दोस्तों स्नैपड्रैगन का A65 है, जो दोस्तों काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, और बैटरी भी दोस्तों समथिंग बराबर ही है, और दोस्तों ये एक फ्लैगशिप लेवल में आ जाता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसमें हमें क्या क्या मिलता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हो। अगली डील की बात करें दोस्तों Redmi का Note 9। दोस्तों ये मिल रहा है आपको 10,500 रुपये का। तो दोस्तों आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, Redmi का फ़ोन अगर आपको चाहिए
जो दोस्तों अंडर 10,000 हो तो आप इस तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों 400-500 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट 10 से 11 हज़ार रुपये के बीच का है तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगले फ़ोन की बात करें दोस्तों, तो ये भी दोस्तों रेडमी की तरफ से, रेडमी का 9 प्राइम। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल रहा है 9,500 रुपये का। अभी इससे पहले बताया था वो था रेडमी का नोट 9, वो था 10,500 का, ये है 9,500 रुपये का। तो दोस्तों इस फ़ोन की तरफ भी आप जा सकते हो। इसमें दोस्तों आपको 9,500 रुपये में फुल HD डिस्प्ले मिल रही है, और दोस्तों 5020 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। और दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है वो सेम रेडमी के नोट 8 प्रो जैसी है, सेम पीछे से भी आगे से भी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपको पीछे से ग्लास बॉडी मिलती है, इसमें दोस्तों आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। वैसे दोस्तों सेम साइज है और सेम डिज़ाइन दी गई है, तो आप इस फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो 9,500 रुपये में। और दोस्तों 9,500 रुपये इसकी कैश प्राइस है। अगर आप इसे डेबिट कार्ड से परचेस करते हो HDFC बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हो HDFC बैंक कार्ड से, दोस्तों ये फ़ोन आपको 8,500 रुपये समथिंग का पड़ सकता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है इस प्राइस के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको इनमें से एक फ़ोन बाई करके दिखाऊंगा, मतलब पूरा बाई नहीं करूंगा, पर आपको बताऊंगा कि आप अगर डेबिट कार्ड से EMI पे लेना चाहते हो तो आप किस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें परचेस कैसे करना है। तो मैं आपको डेबिट कार्ड से परचेस करके बताऊंगा इनमें से कोई सा भी फ़ोन, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी खरीद लो सबका प्रोसेस जो सेम ही है। तो मैं आपको एक फ़ोन परचेस करके दिखाता हूँ कि आप इस तरीके से किस तरीके से EMI पे कोई भी फ़ोन मंगा सकते हो अपने एड्रेस। दोस्तों जो सेल चल रही है इनमें आपको काफ़ी फ़ोन के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से कोई भी फ़ोन खरीद सकते हो जो आप खरीदना चाहते हो, तो आप उसे कैसे EMI पर खरीद सकते हो। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको F62 दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए इसकी बेस जो प्राइस है वो है दोस्तों 18,000 रुपये। ये देखिए 18,000 रुपये इसकी प्राइस है सेल के अंदर। वैसे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वैसे इसकी प्राइस दोस्तों होती है 23,000 रुपये या 22,500 रुपये समथिंग, बट ये आपको इस सेल में मिल रहा है कैश में 18,000 रुपये का। दोस्तों आप इसको अगर EMI पर खरीदते हो HDFC बैंक डेबिट कार्ड से, तो आप ये फ़ोन और भी कम कीमत में खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन सेलेक्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको यही करना है, आप जौन सा लेना चाहते हो इस सेल से उसकी बोल रहा हूँ, पर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद आपको बाई नाउ पर क्लिक करना है। जब आप बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको जो इस तरीके के कुछ आएंगे, आपको इन्हें स्किप कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है वो सेम वो सही है, आपको उसी पर मंगाना है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। अब ये देखिए यहाँ मेरे कई सारे कार्ड लगे हुए हैं, तो दोस्तों इनसे मैं यहाँ से डायरेक्ट इनका कैश पेमेंट कर सकता हूँ, बट मुझे चाहिए जी EMI पर, क्योंकि मुझे EMI पर दोस्तों ऑफर ही मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आ गए EMI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हमें जो ऑफर मिल रहा है वो मिल रहा है डेबिट HDFC बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर। वैसे तो यहाँ पर कई सारे कार्ड दिए गए हैं, पर हमें जो ऑफर मिल रहा है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI सेलेक्ट करता हूँ। जैसे दोस्तों आप ये सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखो हमें जो ऑफर मिल रहा था वो यहाँ पे साफ शो हो रहा है। ये देखिए अगर आप ऐसे 3 महीने की EMI बनवाते हो तो जो आपको दोस्तों 5600 रुपये पर मंथ देना होगा। तो दोस्तों 5600 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए 5600 रुपये पर मंथ अगर आप देते हो तो दोस्तों 5603 ये देखिए आपके 16,800 रुपये होते हैं, यानी दोस्तों आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं लग रहा, प्लस आपको 1200 रुपये कम और हो रहे हैं कैश के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों कैश में जो आपको मिल रहा है 18,000 रुपये का, और EMI पर लेते हो तो मिल रहा है जी आपको दोस्तों 16,800 रुपये का। और दोस्तों आप इसे 6 EMI पर भी ले सकते हो, 6 मंथ की EMI बनवा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको देने होंगे 2800 रुपये पर मंथ। तो इसका भी आपको दिखाता हूँ, जो देखिए 2800 × 6 दोस्तों ये देखिए 16,800 रुपये होते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से इसको परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इससे भी कम EMI बनवानी है, आप दोस्तों इतनी EMI पे नहीं कर सकते हर महीने, तो दोस्तों आप इससे भी कम में ले सकते हो। जो देखिए आपको 1994 रुपये देने हैं 9 महीने तक, या दोस्तों अगर आपको 12 महीने की बनवानी है तो आप 1500 रुपये दे सकते हो। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो EMI है 9 महीने से लेके और 18 महीने वाली, इसमें दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो दोस्तों इन EMI के साथ ये फ़ोन आपको पड़ेगा समथिंग 18,500-19,000 रुपये समथिंग का, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा। ऑफर तो आपको मिल ही रहा है 12% का, बट आपको इंटरेस्ट भी देना होगा 16% का। ये देखिए साफ शो हो रहा है।
तो दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूँगा, आप जो 2800 रुपये वाली 6 महीने की EMI पे ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, प्लस आपके 1200 रुपये दो हैं दोस्तों वो भी कम हो रहे हैं कैश की प्राइस के हिसाब से। तो आप इस तरीके से कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो, सबका खरीदने का प्रोसेस सेम है, जैसे मैंने आपको इस फोन को खरीदने का जो प्रोसेस बताया सेम सबका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।